नमस्कार विवर्स, एक शिष्य कह सकता हूं उनको, एक मेरे विवर हैं, उन्होंने लिखा है, सर मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, आप मुझे मेरे या आपके व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं मेरे व्हाट्सएप नंबर ये सेंड कर रहा हूं, आप इस पे मुझे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको गुरु बना सकता हूं, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। मेरा उनसे निवेदन है कि बेटे, मैंने आप लोगों से एक कमेंट शुरू में किया था, एग्रीमेंट किया था, या यूं कह सकता हूं, मैंने आपसे निवेदन किया था कि जिस दिन मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उस दिन मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, मैं आपको मेरा फोन नंबर भी दूंगा, और मैं आपसे मुखातिब भी होऊंगा। अब आप मुझे यदि गुरु बनाना चाहते हैं, या मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, या आप मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं, या मेरे से जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़ने का सीधा और सरल तरीका मैंने बता रखा है। आप मेरी चैनल एसएन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पर जाकर के सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। फिर मैं सुबह 7 बजे बिना नागा किए, बिना लेट किए, ठीक 7 बजे आपके सामने उपलब्ध होता हूँ। मेरे मन की सारे जो अनुभव हैं वो आपके साथ व्यक्त करता हूँ। पूरी कोशिश करता हूँ कि आप उन अनुभवों का फायदा ले सकें और उन अनुभवों से आप कुछ सीख सकें, या यूं कह सकता हूँ कि जो ठोकरें मैंने ठेकेदारी विषय में, ठेकेदारी सब्जेक्ट में, ठेकेदारी बिजनेस में जो ठोकरें मैंने खाई हैं, उन ठोकरों की तकलीफ आपको न हो, उनमें आपको क्या क्या सुरक्षा करनी है, उनसे बचाव के आपको कौन से प्रयत्न करने हैं, और उनसे टकरा करके आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं, ये सारी बातें मैं उन वीडियोज में बताता हूं। अब बात आती है कि आप मुझे कैसे बनाएंगे गुरु। देखिए, आपने एकलव्य का नाम सुना होगा। मैं एकलव्य को सबसे बढ़िया, दुनिया का श्रेष्ठतम शिष्य मानता हूं, जिसने द्रोणाचार्य जी ने उनको शिष्य बनाने से मना कर दिया था, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो उसने क्या किया, जंगल में जाकर के द्रोणाचार्य जी की एक मिट्टी की मूर्ति बना ली, वो भी बालू मिट्टी की मूर्ति, और बालू मिट्टी की मूर्ति बना करके वो सुबह सुबह बालू मिट्टी की मूर्ति को प्रणाम करता था, और धनुर्विद्या बाद में बालू मिट्टी की साक्षी में उसके सामने धनुर्विद्या सीखता था। और द्रोणाचार्य जी का ये एक प्रण था कि अर्जुन के साथ में एग्रीमेंट था कि तेरे से बढ़िया धनुर्धर इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि द्रोणाचार्य जी और अर्जुन दोनों जंगल में गए, तो एक कुत्ता भौंक रहा था, और एकलव्य ने उस कुत्ते का मुंह बाणों से बींद दिया, यानी भर दिया कि उसका भौंकना बंद हो गया, और वो भी कौन से शब्द भेदी बाणों से, यानी जिधर से आवाज आ रही थी उधर ही उसने तीर चलाए, और कुत्ते को नुकसान भी नहीं हो, और बाण भी उसके मुंह में इतने ठोंस दिए कि उसकी आवाज बंद हो गई। तो अर्जुन ने कहा, गुरुजी आप तो कह रहे थे कि मेरे से ज्यादा बड़ा कोई धनुर्धर इस दुनिया में नहीं होगा, ये देखिए ये कौन आदमी है जो इस कुत्ते की बोलती बंद कर दी, इस कुत्ते का मुंह पूरे बाणों से भर दिया, और वो भी आवाज सुन के, वो आदमी अपने को आसपास में कहीं दिख नहीं रहा। जब बाद में पता किया तो वो एकलव्य निकला, उसने पूछा, एकलव्य द्रोणाचार्य जी ने पूछा या अर्जुन ने पूछा उसको कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो उसने कहा द्रोणाचार्य जी। तो तुम जानते हो द्रोणाचार्य जी को, कि नहीं जानता तो नहीं हूं मैं, मगर मेरे पास द्रोणाचार्य जी 24 घंटे रहते हैं। बोले तुम्हारे पास रहते हैं, द्रोणाचार्य जी तो मेरे गुरु हैं, और उन्होंने कभी शिष्य ही नहीं बनाया मेरे सिवाय किसी दूसरे को, धनुर्विद्या में अच्छा पारंगत करने के लिए कोई शिष्य नहीं बनाया। बोले हाँ, ये मैंने भी ट्राई की थी, उन्होंने नहीं बनाया, मगर मैंने उनको मानसिक रूप से अपना गुरु मान लिया, और आइए मैं मेरे गुरु जी से मिलाता हूँ आपको। और वो जब उनको ले गया तो उन्होंने देखा कि मिट्टी की मूर्ति को गुरु बना रखा था उन्होंने। अपनी गुरु परंपरा ऐसी है दोस्तों, अपन उस देश के वासी हैं जिस देश में आप रिश्ते किसी भी तरीके से, किसी भी मनसा वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार से अपने रिश्ते निभा सकते हो। यदि मेरी चैनल एसएन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है, तो मैं कहना चाहूंगा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक
शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। एक कमेंट आपका मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है और मुझे उससे ये भी पता चलता है कि आप क्या चाहते हैं उस बारे में वीडियो बनाया जाए। यदि आपके बारे आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल हो जो कमेंट्स के द्वारा आप व्यक्त कर सकते हो तो जरूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूँ। और कुछ लोगों का शिकायत रहती है कि सर आप मेरे कमेंट्स देखते नहीं। देखिए बेटे लोगों, मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ और पिछले वीडियोज के भी मैं कमेंट जब भी मुझे फुर्सत मिलती है सब देखता हूँ, और उन सारे कमेंट्स में से चूज करके जिनमें ज्यादा कमेंट जिस विषय पर आते हैं उस विषय का वीडियो बनाता हूँ। आप जितने ज्यादा कमेंट्स देंगे किसी के बारे में उसका ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी वीडियो प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, अपनी खैरियत रखिए, अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखिए, और संयोग से या सौभाग्य से आपके दादा दादी मौजूद हैं मैं कहूंगा उनकी सेवा करने में कोई कमी कसर नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये अनमोल चीजें बहुत दिनों तक आपके पास नहीं रहेंगी। नमस्कार।